डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम करेंगे टैमरिंड कल्टीवेशन। तो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप टैमरिंड से रिलेटेड सभी प्लांट पार्ट्स को आइडेंटिफाई कर पाओगे और साथ ही कम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देख पाओगे। तो टैमरिंड कल्टीवेशन जो है, यह टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इसमें हम जो बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं उनको लेकर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। टैमरिंड, इसका बोटनिकल नेम है टैमरिंडस इंडिका और यह है फेबेसी फैमिली का मेंबर है। द जेनस टैमरिंडस इज मोनोटाइपिक, इट मीन्स इट कंटेन्स ओनली दिस स्पीसीज। यानी जो टैमरिंडस है वह मोनोटाइपिक है, ये इसमें सिर्फ यही एक स्पीसीज पाई जाती है। लेग्यूम फ्रूट क्रॉप डाइकोटिलेडन एंड डिप्लोइड स्पीसीज, यानी यह द्विबीजपत्री डिप्लोइड स्पीसीज है, एक लेग्यूम क्रॉप है, दलहनी जो फ्रूट वाली क्रॉप है। तो जो टैमरिंड है वह ट्रॉपिकल अफ्रीका से ओरिजिनेट माना जाता है और इसमें अगर गुणसूत्र संख्या देखें तो 2n = 24 है। फ्रेंड्स, टैमरिंड में जो सावर टेस्ट होता है पल्प का, वह टार्टरिक एसिड, मैलिक एसिड और सिट्रिक एसिड के द्वारा होता है। तो ज़्यादा जो प्रोपोर्शन देखते हैं टार्टरिक एसिड का पाया जाता है, जो कि 8 to 18% पाया जाता है, और मैलिक और सिट्रिक एसिड जो है 2% तक पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो टैमरिंड है वह एक कॉन्डिमेंट, एडजंक्ट को की तरह काम लिया जाता है, जो कि एसिड और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह इंडियन कुकी में काम में लिया जाता है। यहाँ पर आप इसकी टैमरिंड की लीव्स को देख सकते हो। जो टैमरिंड की लीव्स होती है वह नाइट में जो इसके लीफलेट्स होते हैं वह क्लोज हो जाते हैं। और इसका अगर हम देखें जो प्लांट है, इसमें लॉन्ग टैप रूट पाई जाती है और इसके अंदर ब्राउन पॉड लाइक फ्रूट का प्रोडक्शन होता है, जिसमें स्वीट टैंगी पल्प पाया जाता है। तो जो पल्प होता है वह एंटी सॉर्बेटिक प्रॉपर्टी वाला होता है और इसे मेटल पॉलिशिंग में भी काम में लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो टैमरिंड है उसको ह्यूमिड टू ड्राई हॉट रीजन में भी ग्रोन किया जा सकता है। जो पेड़ है वह फुल सन के अंदर बहुत अच्छी तरह से ग्रोन होता है, लेकिन यह फ्रॉस्ट सेंसिटिव होता है। और इसके कल्टीवेशन के लिए अगर हम सोयल देखें तो सभी प्रकार की सोयल में इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, लेकिन वेल ड्रेन्ड डीपली डीप लोमी और एल्यूवियल सोयल इसके लिए बेस्ट मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, जो टैमरिंड है वह ड्राई लैंड यानी रेन फेड एक क्रॉप है। इसे सेमी फॉरेस्ट ट्री या एवेन्यू ट्री की तरह ग्रोन किया जा सकता है, इसलिए इसको ज़्यादा इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखते हैं इसकी वैरायटीज। तो इसकी इम्पोर्टेंट वैरायटी है यूरिगम, हसनोर, तमकोर, योगेश्वरी, DTS1। और इसमें कुछ सीडलिंग सिलेक्शन भी हैं, जैसे कि प्रतिस्थान है, प्रतिस्थान जो है फ्रूट रिसर्च स्टेशन औरंगाबाद से लिया गया है। इसी तरह PKM1 जो है कोयम्बटूर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तमिलनाडु से डेवलप किया गया सीडलिंग सिलेक्शन है। तो फ्रेंड्स, यूरिगम जो इसकी वैरायटी है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप इसकी फ्लावरिंग और जो लिप्स की पोजीशन है उसको देख पा रहे होंगे। यहाँ ये जो पोड की पोजीशन है उसको देख पा रहे होंगे। आप देखते हैं इसमें प्रोपिगेशन। तो इसका प्रोपिगेशन जो कॉमनली जो है सीड के द्वारा किया जाता है। तो जो टेमरेंड के सीड होते हैं वह कुछ मंथ तक भी वायबल बने रहते हैं और इनका जो जर्मिनेशन होता है वह विद इन 1 वीक में हो जाता है। और इसमें अगर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन देखे तो ये इसको पैच बडिंग के द्वारा प्रोपिगेट किया जा सकता है। प्लांटिंग डिस्टेंस जो है 8 × 8 से लेकर 10 × 10 मीटर तक इसमें प्लांटिंग डिस्टेंस रखी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसकी अगर हम इन सिटू प्लांटिंग देखें तो जून से जुलाई के मंथ में। अब देखते हैं इसमें ट्रेनिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, इसमें हाई हेड और यूनिफॉर्म स्केफोल्ड ब्रांचेस को डेवलप करने के लिए मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में इसको ट्रेंड किया जाता है। यहाँ पर आप इसके फ्लावरिंग और की कंडीशन को देख सकते हैं। तो ये जो टेंडर लीव्स और फ्लावर्स होते हैं यह भी एडिबल हो सकते हैं। तो जो इसके फ्लावर्स होते हैं वह 1 इंच वाइड होते हैं, जिसमें 5 पीटल्स पाए जाते हैं और यह स्मॉल रेसे में बॉर्न करते हैं। यह येलो, ऑरेंज और रेड स्ट्रीक लिए होते हैं।
अब देखते हैं इसमें हार्वेस्टिंग। तो फ्रेंड्स इसकी हार्वेस्टिंग जो है जनवरी से अप्रैल के मंथ में की जाती है। प्लांट में बियरिंग स्टेज जो है फोर्थ ईयर पे आनी शुरू हो जाती है और इकोनॉमिक यील्ड जो है नाइन्थ ईयर पर स्टार्ट हो जाती है। और इसकी जो इकोनॉमिक यील्ड है वो 15 to 20 ईयर तक बनी रहती है। और फ्रेंड्स जब टैमरिंड में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है तो उस टैमरिंड को फ्रूट जो ट्री है उस पर अप टू 6 मंथ तक मेच्योरिटी के बाद रहने दिया जाता है, ताकि वहाँ पर इसके अंदर जो फ्रूट पोड है उसके अंदर मॉइस्चर जो है 20% तक कम हो जाए। यहाँ पर फिर आप इसके फ्लावर्स को देख पा रहे होंगे टैमरिंड के। अब देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज। तो फ्रेंड्स जो टैमरिंड है उसके प्लांट के अंदर सभी तरह के इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज के लिए नेचुरल रेजिस्टेंस पाई जाती है, इसलिए इसके अंदर ज़्यादा प्रोटेक्शन मेजर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें लगने वाले कॉमन इंसेक्ट और पेस्ट देखें तो लीफ कैटरपिलर, स्टोरेज बीटल, ओरिएंटल येलो स्केल, यह तीनों ही इंसेक्ट इसके अंदर लगते हैं। और अगर इसमें डिजीज देखें तो इसमें लगने वाली फंगल डिजीज है पाउडरी मिल्ड्यू। तो फ्रेंड्स आज हमने टैमरिंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा है। फ्रेंड्स होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।